आयुषी, अर्पित, सांची, क्या क्या हुआ था भाई हम लोगों ने लास्ट क्लास में? व्हाट वी डिड इन लास्ट क्लास? सर वी डिटेल कंज्यूमर एंड डीकंपोजर प्रोडक्शन सर वी प्रोटोजोआ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोटोजोआ हमें स्टार्ट करना था, राइट? ठीक है, तो स्लाइम मोड्स हमने कर लिए थे, ठीक है, प्रोटोजोआ स्टार्ट करते हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी, बाकी लोग जो लोग ज्वाइन करते रहेंगे वो हमें ज्वाइन करते रहेंगे, लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सब लोग मैंने बताया था एज यूजुअल एनसीईआरटी आप अपने साथ रखेंगे, जिससे कि आप सिंक्रोनाइज करते रहे। हम लोग जो सीक्वेंस में पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, हम लोग उसी सीक्वेंस में चीजों को पढ़ेंगे, राइट? देखिए, तो प्रोटोजोआ को पहले देखते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं। तो मैंने आपको एज यूजुअल जैसे मैंने आपको लास्ट बताया हुआ था, हेलो कृति, तो देखो कृति, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ स्टार्ट करने वाले, ठीक है? और लोग आ रहे होंगे, चलो कोई नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं सब लोगों को ये बोल रहा था कि आप लोग साथ में एनसीईआरटी जरूर रखेंगे, जिससे आपको कभी ये कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा तो कुछ नहीं, हम लोग एनसीआरटी से बाहर पढ़ रहे हैं या सीक्वेंस नहीं। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है, तो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए कि आप एनसीआरटी में जो भी चीजें हैं वो उसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। तो आप एनसीआरटी जरूर रखें साथ में। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग तो जो पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रोटिस्टा, है ना? तो प्रोटिस्टा में मैंने बताया था कि हम लोग क्या पढ़ चुके थे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा पढ़ चुके थे ना? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। कृति, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो बताना, ठीक है ना? अच्छा, कृति का जवाब, यस सर। अभी सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चलो कृति का भी बयान है तो फिर बताता हूँ। एक दो लोग और आने वाले होंगे, चलो कोई नहीं, तो कृतिका इज ऑल्सो देयर। कृतिका, आई एम ऑडिबल टू यू? आपका माइक्रोफोन मुझे कनेक्टेड नहीं दिख रहा है, एक बार हाँ बोलो। कृतिका, आई एम ऑडिबल? नहीं, ठीक है, देखो तो मैं बताता हूं। तो कृति, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, मैं प्रोटिस्टा पढ़ा रहा था, और प्रोटिस्टा में हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ने वाले थे, लास्ट वाला टॉपिक है। तो एक तो फोटोसिंथेटिक हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा प्रोटिस्टा एक वो थे जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा थे, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा, एक तो पढ़ा यूग्लिना, है ना? इसमें पढ़ा डाइनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट, और क्या पढ़ा, क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, है ना? तो एनसीईआरटी में डाइनोफ्लैजिलेट्स भी हैं, क्राइसोफाइट्स भी हैं, यूग्लिना भी है, ठीक है? ये सब फोटो थे, तो इन सब को हमने एक साथ रख दिया एक ग्रुप में, उसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कहा। नेक्स्ट वाले दूसरे वो थे ऐसे प्रोटिस्टा जो कि डिकम्पोजर, और क्या थे, डिकम्पोजर और क्या पढ़ा कंप्यूटर था भाई, एंड क्या थे, कंज्यूमर्स। राइट, कंज्यूमर। कृतिका, अभी मेरी वॉइस आ रही है आपको, आई एम ऑडिबल टू यू? आपकी नहीं आई मुझे, ठीक है, ओके ओके। तो कृतिका देखो, हाँ, सो आप सब लोग, मतलब इसमें दो क्लासेस और हो चुकी हैं इस बैच में, तो कृतिका और कृति दोनों को मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोटिस्टा पढ़ा रहा हूँ। प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा मैं पढ़ा चुका, डिकम्पोजर और कंज्यूमर, इसमें स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोड्स दिया हुआ है, और तीसरे आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो है प्रोटोजोआ, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। तो देखिए, एनसीईआरटी में सबसे पहले डाइनोफ्लैजेलेट दिया हुआ है, फिर क्राइसोफाइट दिया हुआ है, फिर यूग्लिना दिया हुआ है, फिर स्लाइम मोल्ड दिया हुआ है, और उसके आखिरी में दिया हुआ है प्रोटोजोआ। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है, तो ये दूसरा किंगडम है हमारा, इस किंगडम को हम लोग कहते हैं मिक्स किंगडम। मिक्स किंगडम क्यों? क्योंकि अलग अलग किंगडम से ऑर्गेनिज्म हमने निकाल करके यहाँ पे रखे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, ये वाले जो ऑर्गेनिज्म थे फोटोसिंथेटिक, इनको एल्गी से निकाला हुआ है, डिकम्पोजर
डिकम्पोजर जो थे इनको फंजाई से निकाला हुआ है, ठीक है, और जो प्रोटोजोआ थे इनको एनिमल से निकाला गया है, राइट, ये हमने पढ़ लिया है। तो बाकी लोग जैसे कृति और कृतिका, ठीक है ना, तो ये जितने टॉपिक हैं ये मैं आपको सेपरेट क्लास में बता दूंगा, ठीक है, ना, तो यहाँ से आप कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। प्रोटोजोआ बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि ऊपर वाले भी उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोटोजोआ से ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नीट पे पूछा जाता है। प्रोटोजोआ में आपको मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, तो पहले हम प्रोटोजोआ स्टार्ट करते हैं। यहां तक तो सबको क्लियर है ना कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? कृति कृतिका समझ में आ गया ना? ठीक है, yes, sir. हाँ, तो हम लोग उसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट। अब देखिए, अब सबसे पहले प्रोटोजोआ है क्या, तो हमने ये पता कर लिया कि प्रोटोजोआ वो है, तो हमने क्या किया, एनिमिलिया किंगडम से यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक सेल थी या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या यू कहूं कि यूनिसेलुलर एनिमल्स, इनको हमने निकाल लिया और इनको हमने यहां पे रखा कहां पे, प्रोटोजोआ। अब देखो प्रोटोजोआ को भी फर्दर हमने डिवाइड किया। यहां पर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में अगर आप खोलेंगे तो एनसीईआरटी में आपके दे रखा है कि पेज नंबर 21 में प्रोटोजोआ दिया है, तो यहां पर देखिए यहां पे भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और लिखा है फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, है ना। तो यहां पर प्रोटोजोआ को फर्दर फोर मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया, किस बेसिस पे डिवाइड किया, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, मैं आपको बता, ठीक है। तो प्रोटोजोआ को हम लोग क्या, लोकोमोशन के बेसिस पे या मूवमेंट के बेसिस पे, तो प्रोटोजोआ को उनके लोकोमोशन के बेसिस पे, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन के बेसिस पे, तो लोकोमोशन के बेसिस पे प्रोटोजोआ को हमने चार पार्ट पे फर्दर डिवाइड किया। पहले आपके हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ वो है जो अमीबा के जैसे दिखाई देते हैं, और हाँ इसका एग्जाम्पल भी क्या है, अमीबा ही इसका एग्जाम्पल है, अभी पढ़ेंगे। फिर दूसरे क्या है, दूसरे आप देखेंगे कि हमने इनको डिवाइड किया हुआ है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। तो देखो अमीबा वो प्रोटोजोआ है जिनमें मूवमेंट किससे होता है, किस चीज से मूवमेंट होता है, स्यूडोपोडिया से, ठीक है, सब चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप समझते जाइएगा। तो मूवमेंट के बेसिस पे मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको क्लासीफाई कैसे किया गया है, है ना। तो देखिए अमीबॉइड प्रोटोजोआ वो अमीबा के जैसे दिखाई देते हैं, इनमें स्यूडोपोडिया से मूवमेंट होता है। दूसरे नंबर पर इस पे दिया हुआ है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो है, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ वो होते हैं जिनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं। और देखिए आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्राइपैनोसोमा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत बार नीट पे पूछा गया ट्राइपैनोसोमा, ठीक है। तो ट्राइपैनोसोमा में क्या, इसमें मूवमेंट किससे होता है, फ्लैजिला से होता है। देखिए तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा, अमीबॉइड का है अमीबा। तीसरे नंबर पर देखिए यहां पर आपका दिया हुआ है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। तो देखिए सिलिएटेड प्रोटोजोआ जो है एनसीईआरटी में, सिलिएटेड प्रोटोजोआ का जो एग्जांपल दिया हुआ है पैरामीशियम दिया हुआ है, पैरामीशियम दिया हुआ। पैरामीशियम में किससे मूवमेंट होता है, सिलिया से, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पोरोजोन्स, नॉर्मली चाहे आप एनसीईआरटी की बात करें किसी और बुक की बात करें, स्पोरोजोन्स में जो एग्जांपल एक्चुअली क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम का एग्जांपल होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में किसी भी तरह का कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, ना सिलिया पाए जाते हैं, ना फ्लैजिला पाया जाता है, ना स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, ठीक है। सो नो लोकोमोटरी, नो लोकोमोटरी ऑर्गन, तो इनमें किसी भी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ। तो ठीक, तो पहला मेरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट क्वेश्चन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ, नोट कीजिए आप एग्जाम्पल के साथ में इसको नोट कीजिए। द प्रोटोजोआ डिवाइडेड इंटू, प्रोटोजोआ डिवाइडेड इंटू फर्दर फोर सब ग्रुप्स,
प्रोटोजोआ डिवाइडेड इनटू फर्दर फोर सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन. They are believed to be primitive relative of, they are believed to be primitive relative of animals. ऐसा माना जाता है कि animals का origin protozoa से ही हुआ होगा. They are believed to be primitive relatives of primitive relative of animals. प्रिस्टॉप. तो प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? Who discovered protozoa? नहीं पता, नोट करो. प्रोटोजोआ वॉज फर्स्ट स्टडीज बाई एंटोनी वॉन प्रोटोजोआ वॉज फर्स्ट स्टडीड बाई एंटोनी वॉन लिवेनहॉक. तो सबसे पहले प्रोटोजोआ को एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने डिस्कवर किया. अब देखे क्या है, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स. ये चारों ग्रुप लिखिए, उनके एग्जांपल्स लिखिए और सामने लोकोमोटरी ऑर्गन लिखिए. नोट कर लिया? ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं. क्लियर है? स्टार्ट किया जाए एक एक करके. तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोआ. और किसी को कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते जाइएगा. ठीक है? अच्छा, आदित्य, इज इट योर फर्स्ट क्लास? आदित्य, एम आई ऑडिबल टू यू? चलिए, तो पहली हेडिंग आप डालिए अमीबॉइड प्रोटोजोआ. आप देखो अमीबॉइड प्रोटोजोआ होते क्या है. तो सबसे पहले है अमीबॉइड. अमीबॉइड प्रोटोजोआ. अच्छा, कुछ लोगों ने आप एंट्री की. लवीश, am I audible? रोशनी, अच्छा रोशनी, ओके रोशनी, am I audible to you? Yes, 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 sir. आप देखो, बाकी आप लोगों ने थोड़ा लेट एंट्री किया तो आपको भी मैं बता देता हूँ, है ना. और इस बैच में दो एक्स्ट्रा क्लासेस और हो चुकी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ. अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, साची तो पहले आ चुकी थी और कृतिका भी पहले आ चुकी थी, है ना. कृतिका, कृति, ये लोग पहले आ चुके थे. तो कृतिका, कृति, अच्छा पुराने बच्चे थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे. मैं जो लोग नए एंट्री किए हैं उन लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, उनको भी आइडिया हो जाएगा, दे विल फील मोर कंफर्टेबल. सो कृतिका, कृति, लवीश और रोशनी, है ना. देखो यहाँ पर क्या है कि इस बैच में, मतलब ये नया ही बैच है तो इसमें दो क्लासेस एक्स्ट्रा हो रखी हैं. तो यहाँ पर मैंने क्या पढ़ाया, आपको क्या पढ़ा दिया था, आप लोगों को क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? प्रोटिस्टा. आप देखेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो प्रोटिस्टा में सबसे पहले दिया हुआ है क्या, डायनोफ्लैजेलेट, फिर क्राइसोफाइट्स, फिर यूक्लिना दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना. और उसके बाद स्लाइम मोड्स दिया हुआ है और फिर प्रोटोजोआ दिया हुआ है. तो यही एनसीईआरटी का सीक्वेंस है ना. इसमें डायरेक्टली एनसीईआरटी में दे दिया गया है. एक्चुअल में क्या है
कि यहां पर प्रोटिस्टा को हम तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं। पहले वो प्रोटिस्टा जो फोटोसेंसिस के थ्रू अपना फूड बना सकते हैं, तो उसमें हमने रखा है यूग्लिना को, डायनोफ्लैजेलेट को, क्राइसोफाइट्स को। दूसरे वो प्रोटिस्टा जिनको कि हमने फंजाई से लिया है, वो डिकम्पोजर है, वो डेड और डिकेइंग चीजों से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, उसमें रखा स्लाइम मोल्ड्स को। तीसरे वो प्रोटिस्टा जिनको कि हमने एनिमल किंगडम से निकाला, और ये कौन है, ये फर्दर वो है जिनको कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। ये चार मैं पढ़ा चुका हूं, ये चार मैं आप चारों लोगों को एक अदर क्लास में एक्स्ट्रा क्लास लेकर के मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ से। अभी क्या है, प्रोटिस्टा को मिक्स किंगडम कहा जाता है। प्रोटिस्टा को मिक्स किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, यूनिसेलुलर एल्गी, तो हमने प्लांट से यूनिसेलुलर एल्गी निकाल करके यहां पर रख दिया प्रोटिस्टा में, ठीक है। हमने फंजाई से यूनिसेलुलर फंजाई निकाल करके यहां पर रख दिया। हमने एनिमल किंगडम से यूनिसेलुलर एनिमल्स को यहां पर रख दिया। तो प्रोटिस्टा एक मिक्स किंगडम है, इसमें हमने एनिमल्स किंगडम से भी कुछ ऑर्गेनिज्म लिए हैं, कुछ फंजाई से लिए हैं, कुछ एल्गी से लिए हैं, राइट। अब हम जो पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ, तो मैंने स्टार्ट किया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, एक्चुअली ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं। इनको सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेक ने देखा, ठीक है। फर्दर हमने प्रोटोजोआ को, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देखेंगे प्रोटोजोआ पेज नंबर 22 में, 21 से 22 में, 21 के लास्ट में और 21 के 22 के सेकंड में, तो आप देखेंगे यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है। फर्दर हम प्रोटोजोआ को फर्दर फोर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सब ग्रुप में। तो प्रोटोजोआ को फर्दर कौन से सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फोर सब ग्रुप में। किस बेसिस पे, उनके लोकोमोशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोआ है, जिसमें हम अमीबा को रखते हैं, और इनमें लोकोमोशन के लिए एक ऑर्गन होता है, स्यूडोपोडिया होते हैं। दूसरे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, इसका एग्जांपल है ट्राइपाइनोसोमा, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है लोकोमोशन के लिए। सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, एग्जांपल पैरामीशियम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसमें लोकोमोशन के लिए सीलिया पाए जाते हैं। चौथे स्पोरोजोन्स है, इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, और इसमें किसी भी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। अब सबसे पहले सब हेडिंग आप लोग सब लोग डालेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोआ। तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ में देखिए, अमीबॉइड प्रोटोजोआ का एग्जांपल क्या है, अमीबा है। अच्छा, अमीबा की भी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं। इनमें एक अमीबा है जो हमको आपको बीमार करता है, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया, और जो वन मार्कर क्वेश्चन आएंगे आपके स्कूल में, 20 क्वेश्चन जो आएंगे उनमें भी पूछा जाएगा। एक अमीबा है, उसका पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कोई बता सकता है क्या ये क्या करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, कोई भी बताएगा, एनी वन ऑफ यू कोई बताएगा, अर्पित ट्राई करोगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, सॉरी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और साफ से एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये क्या काज करता है, मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ फिर डिस्क्राइब करता हूँ। और हम यहाँ पे अमीबा का जो अमीबन प्रोटोजोआ है उसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर अमीबा है। ये डर्टी वाटर में पाया जाता है, मतलब किसमें, कंटामिनेटेड वाटर में पाया जाता है। कंटामिनेटेड वाटर वो जो गंदा पानी होता है उसमें पाया जाता है। ये करता क्या है, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ह्यूमन की इंटेस्टाइन में चला जाता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, है ना। ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये क्या करता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये हमारी आपकी इंटेस्टाइन में चला जाता है। ह्यूमन की अगर हमने कहीं पे भी साफ पानी नहीं पिया, गंदा पानी पी लिया, तो सपोज दैट ये हमारी आपके इंटेस्टाइन है ना। तो इंटेस्टाइन मतलब कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। ये इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद अब आप देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी जब आगे पढ़ेंगे, तो इंटेस्टाइन का जो अंदर वाली लेयर होती है, इस लेयर में म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि ये बहुत सॉफ्ट लेयर होती है और इसमें जेल जैसा सब्सटेंस म्यूकस लगा हुआ होता है, इसको हम लोग म्यूकस लेयर कहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है,
कि पहले गंदे पानी के साथ चला जाता है और ये मरता नहीं है एचसीएल से, ये जा करके हमारे इंटेस्टाइन में पहले चिपक जाता है, चिपकने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में गड्ढा करने लगता है और होल करके हमारे इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ चला जाता है और यहाँ पर बहुत तेज से रिप्रोडक्शन करता है। जब ये होल करता है तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज फट जाती हैं और क्या होता है, यहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या है, दो चीजें, ब्लड प्लस म्यूकस दो चीजें स्टूल के साथ में बाहर आना स्टार्ट हो जाती हैं। दे कम्स आउट विद स्टूल। जब ये स्टूल के साथ ब्लड और म्यूकस आना शुरू हो जाती हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बता सकता है क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डाइसेंट्री। डाइसेंट्री समझ गए, तो जिसको नॉर्मल डाइसेंट्री कहते हैं वो किससे कॉज होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। क्लियर, इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये पूछा था अमीबियोसिस किससे होती है, डाइसेंट्री इसी को बोलते हैं, इसी बीमारी को, और वी कैन से अमीबियोटिक डाइसेंट्री। अमीबियो बॉडी के अंदर जाएगा। हाँ जी बेटा, ये बॉडी के अंदर कैसे जाएगा? अरे देखो ना, अभी क्या है, समझो बात को, आप टैप वाटर पीते हो, है ना, टैप वाटर, सोचो बाकी छोड़ो, मिल्क वाला आता है, मिल्क वाला क्या करता है, कहीं से भी पानी मिला देता है, गंदे पानी में पाया जाता है या आपके मिल्क में चला गया, या आपके घर में टैप वाटर आ रहा है, वाटर लाइन आपने सड़कों के किनारे देखा होगा कितनी जगह फटी हुई है, ठीक है, उस वाटर लाइन के साथ में अमीबा अंदर आ गया। अब अमीबा क्या हुआ, आपके टैप वाटर में आया, आपने बिना फिल्टर किए हुए पानी पी लिया, ठीक है, अब क्या हुआ, वो आपके स्टमक में चला गया, तो खाने के थ्रू, गंदे पानी के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है। क्लियर, ओके सर। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जगह हैंडपंप का पानी पी लिया, इसका पानी पी लिया, बहुत सारी जगह पानी पी लेते हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, तो गंदे पानी से ये हमारी बॉडी में चला जाता है, जाने के बाद इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन में होल करता है, जिससे हमारे इंटेस्टाइन में ब्लड और म्यूकस निकलने लगता है, इसको हम डाइसेंट्री बोलते हैं या इसको अमीबियोटिक डाइसेंट्री बोलते हैं, और या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अमीबियोसिस। तो फिर बॉइल करने से हट सकते हैं, जैसे वायरस के, जिस वायरस हटते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको बॉइल करके हम हटा सकते हैं, इवन इसको फिल्टर से भी रिमूव कर सकते हैं। इंडिया में मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि भारत सरकार का ये कहना है 70% इंडिया में डिजीज कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती है। बिलीव ऑन मी, 70% डिजीज दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द कंटामिनेटेड वाटर। आप सिनेमा हॉल में, मूवी हॉल में, पीवीआर में जाते हैं तो सबसे पहले आता है पानी को साफ रखें, है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में एडवर्टीजमेंट इसलिए करती है अवेयरनेस के लिए, ठीक है। अमीबा का स्ट्रक्चर देखते हैं, नोट कर लिया इसको? नो सर, एक्सप्लेन। ठीक है, हाँ ठीक है, नोट कर लिया, ओके राइट, नोट करिए, इट इज फाउंड इन, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड इन फ्रेश वॉटर, सी वॉटर एंड मॉइस्ट सॉइल। इट इज फाउंड इन फ्रेश वॉटर, सी वॉटर एंड मॉइस्ट सॉइल, फुल स्टॉप। मेनली इट लिव्स इन कंटामिनेटेड वॉटर रिच इन, मेनली इट लिव्स इन कंटामिनेटेड वॉटर रिच इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फुल स्टॉप। इट कॉजेस अमीबिक डाइसेंट्री इन ह्यूमन बीइंग। इट कॉजेस अमीबिक डाइसेंट्री इन ह्यूमन बीइंग। रिच इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट कॉजेस अमीबिक डाइसेंट्री इन ह्यूमन बीइंग, फुल स्टॉप। इन दिस डिजीज
एब्डोमिनल पेन कॉमा म्यू एब्डोमिनल पेन अकर्स एंड ब्लड अलोंग विद म्यूकस कम्स आउट विद स्टूल। अब देखो मैं आपको अमीबा का डायग्राम दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट, मैं आपके साथ शेयर करता हूं अमीबा का डायग्राम। अमीबा कैसा दिखता है, आपने बचपन से देखते आप चले आए होंगे। देखो ये अमीबा है, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। इसमें क्या पाया जाता है, इस तरह से फूड वैक्यूल पाई जाती है, ये ऑर्गेनिक फूड खाता है। अभी मैंने आपने लिखा कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जहां रिच होते वहां, मतलब क्या हुआ, मतलब आपके किचन का, किचन से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, अगर आपके वॉशरूम से निकलने वाला वेस्ट वाटर है, वो जहां भी इकट्ठा हो रहा है वहां पर अमीबा होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फूड खाता है। अब क्या है दूसरा, इसमें क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। क्या मतलब हुआ, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हुआ ये वेस्ट वाटर को रिमूव करने का काम करता है। तो वेस्ट वाटर रिमूवल का काम करता है, ठीक है, फूड वैक्यूल में फूड। अच्छा अंदर ये क्या है, दिस इज एक्टोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म का जो एक्सटर्नल पार्ट उसको एक्टोप्लाज्म बोला, इसको प्लाज्मोजोल प्लाज्मोजेल, मतलब इसको हम एंडोप्लाज्म बोलेंगे, एंडोप्लाज्म, ठीक है। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में जो बाहर की तरफ पाया जाता है इसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, इसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। अंदर क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में कुछ इसका जो प्लाज्मा का पार्ट होता है वो जेल की तरह होता है, कुछ प्लाज्मा का पार्ट सॉल की तरह होता है। सॉल और जेल में फर्क सिर्फ इतना है, जेल की डेंसिटी ज्यादा होती है और सॉल की डेंसिटी कम होती है, राइट। यहां पर ये मूवमेंट के लिए ये अपना शेप चेंज करता रहता है, तो मूवमेंट के लिए इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, इनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो स्यूडोपोडिया मीन्स क्या होता है, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स पैर, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो देखो ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या क्या करता है, समझिए बात को, तो इसका शेप फिक्स नहीं है, है ना। तो ये क्या करता है, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बॉडी से बाहर निकालता जाएगा और इनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इनकी हेल्प से सबसे पहले क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से मूवमेंट करता है। दूसरा काम क्या करता है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये इस तरह से अपने स्यूडोपोडिया को आगे की तरफ बढ़ाता है, अपना शेप चेंज करता है और ऑर्गेनिक फूड को खा जाता है। तो ऑर्गेनिक फूड को इस तरह से खा करके फूड वैक्यूल के अंदर ले लेता है, ठीक है ना। तो मूवमेंट करता है और फूड इनटेक करता है, किसके हेल्प से, स्यूडोपोडिया के हेल्प से। क्लियर है सबको, यस सर। कोई डाउट किसी को, नो सर। अच्छा ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार स्कूल वाले बोलते हैं ड्रॉ द अवेलेबल डायग्राम ऑफ अमीबा। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था, any doubt? No sir. No sir. Okay. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक पॉइंट लिखिए, स्यूडोपोडिया आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्यूडोपोडिया आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which help them in movement and food intake, which help them in movement and food intake. Next point, the shape of amoeba is not fixed. The shape of amoeba is not fixed. अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता,
इसका शेप चेंज होता रहता है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा अमीबियोटिक प्रोटोजोआ, अब दूसरे नंबर पर आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। इससे भी क्वेश्चन एंटामीबा हिस्टोलिटिका का नाम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये नीट में ऑलरेडी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, जो दूसरा वाला है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। तो आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है सिर्फ ट्रिपैनोसोमा का ही दिया हुआ है, हम लोग इसी को पढ़ेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ वो होते हैं, नोट करेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ आर दोज प्रोटोजोआ which have flagella, which have flagella for their locomotion. Next point. They are either free living, they are either free living or parasitic. Free living मतलब ये freely live करते हैं, freely रहते हैं, और parasitic किसी दूसरे plant या animal की body में रहते हैं, है ना? तो या तो ये free living होते हैं या ये parasitic होते हैं। इसका जो example है वो example है Trypanosoma gambiens, है ना? तो Trypanosoma है क्या चीज, कोई बता सकता है? ट्राइपैनोसोमा, तो देखो इतना सिर्फ नाम दिया गया है एनसीईआरटी में ट्राइपैनोसोमा, मैं आपको पूरी बात बताता हूं इसका नाम क्या है। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस इसका पूरा नाम है, ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस ये इसका पूरा नाम है। ये एक बीमारी कॉज करता है, ट्राइपैनोसोमा जो गैम्बियंस है ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है बताता हूं अभी आपको, स्लीपिंग सिकनेस ये जिस डिजीज को कॉज करता है उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस वो बीमारी है जिसपे कोई भी बंदा कोमे में चला जाता है ना? ट्रिपैनोसोमा कैसे आता है, कैसे फैलता है, किस तरह से होता है, इस पूरी बात को मैं समझाता हूं। देखिए एक और चीज नोट करना चाहूंगा मैं, पूरा फोकस आपका मुझे इधर चाहिए, समझिए। ट्रिपैनोसोमा जो गैम्बियंस होता है ये इंसान की बॉडी में कैसे आया, ह्यूमन की बॉडी में कैसे आया? एक फ्लाई होती है सीसी फ्लाई, क्या नाम उसका? सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई इंसानों को काटती है, इसको टीसी टीसी लिखते हैं, सीसी पढ़ते हैं, टी साइलेंट है, सीसी फ्लाई। तो सीसी फ्लाई क्या करती है, ह्यूमंस को काट लेती है। अफ्रीका में ऐसी मक्खियां पाई जाती हैं। गैम्बियंस आपने पढ़ा होगा, गैम्बिया एक कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है गैम्बिया, वहां पे इसका ओरिजिनेशन है, इसलिए इसका नाम है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये गैम्बिया में पाया जाता है और वहां पर एक मक्खी होती है सीसी फ्लाई, ये ह्यूमन को बाइट करती है, ठीक है, इट बाइट ह्यूमन। ह्यूमंस को बाइट करने के बाद ये इस ह्यूमंस की बॉडी में ट्रिपैनोसोमा, है ना, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एंट्री हो जाती है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस क्या करता है, ये जाता है ह्यूमन के ब्रेन में, ह्यूमन के ब्रेन में जाने के बाद ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। जिससे कि बंदा कोमे में चला जाता है और उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई? यस सर। इससे डायरेक्टली डेथ हो जाती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेथ हो जाती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ बोलो बेटा, कोई क्योर नहीं है इसका? नहीं क्योर है इसका, लेकिन ये है कि अगर पहले डिटेक्ट कर लिया इजी है, मतलब इसको क्योर है अगर, लेकिन ये नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंचना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि फ्लाई ने काटा, फ्लाई में काटने के बाद ब्लड में चला गया, तो पहले क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, पूरे ब्लड में आंसुवी फैल जाता है, फाइनली ये ब्रेन में जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन में जाता है। ब्रेन में जाने के बाद थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ब्रेन में जाने के बाद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाने के बाद ये क्या करता है, इन्फेक्शन कर देता है। इन्फेक्शन करने के बाद ब्रेन में ब्रेन डैमेज होने लगता है और फिर आदमी की डेथ हो जाती है।
इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन इसके पहले अगर ब्रेन तक पहुंचने के पहले हमें पता चल जाए कि मक्खी ने काटा हुआ है या फिर यूं पता चल जाए कि ट्रेपानोसोमा ब्लड में है सैंपल में, तो हम उस बंदे को क्योर करके बहुत आसानी से बचा सकते हैं। इट्स नॉट ए वेरी फैटल डिजीज, ठीक है। लेकिन अगर क्योर ना किया जाए तो डेथ इंश्योर है। देखिए अब आपसे क्वेश्चन नीट में क्या पूछा जाएगा कि ट्राइपाइनोसोमा जो गैमियंस है इसका वेक्टर कौन है, तो वेक्टर कौन है, वेक्टर वो होते हैं जो डिजीज को लेकर के आते हैं। मलेरिया मॉस्किटो लेके आता है, तो मलेरिया का वेक्टर कौन है, मॉस्किटो। तो यहां पर ट्राइपाइनोसोमा का वेक्टर कौन है, सीसी फ्लाई। क्लियर। एक और बात, तो भाई साहब ये सीसी फ्लाई के अंदर कहां से आया, दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन नीट। मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो नीट पे पूछे गए आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में दे रखा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, उसका एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा, है ना। देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, सिर्फ इतना एनसीईआरटी में दिया गया है। आप देखिएगा नीट के एग्जाम में कितनी बार पूछा गया कि ट्रेपाइनोसोमा जो गैमियंस इसका वेक्टर कौन है या स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन है, सीसी फ्लाइज का वेक्टर है। एक क्वेश्चन एम्स का है कि ट्रेपाइनोसोमा का रिजर्वायर कौन है। एक एनिमल होता है उसको कहते हैं एंटीलोप, तो एंटीलोप की बॉडी में रहता है, तो एंटीलोप क्या है इसका रिजर्वायर, रिजर्वायर। तो भाई साहब सबसे पहले किसको, किसकी बॉडी में रहता है, एंटीलोप की। एंटीलोप को किसने काटा, सीसी फ्लाई ने, तो सीसी फ्लाई के बॉडी में पहुंच गया। सीसी फ्लाई ने किसको ट्रांसफर किया, ह्यूमन को ट्रांसफर किया, और ह्यूमन को क्या हो गया, स्लीपिंग सिकनेस। ये सीक्वेंस समझ में आया, ठीक है, तो नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट्स। ये सीक्वेंस नोट करो पहले आप और फिर पॉइंट नोट करो। ट्राइपैनोसोमा इज ट्रांसफर्ड थ्रू, ट्राइपैनोसोमा इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ फ्लाई known as CC fly. Trypanosoma is transferred through a fly known as CC fly. It is vector of sleeping sickness. Full stop. नेक्स्ट, एंटीलोप इज रिजर्व होस्ट ऑफ, एंटीलोप इज रिजर्व होस्ट ऑफ ट्राइपैनोसोमा। नेक्स्ट पॉइंट, this parasite a host of reserve host of trypanosoma. Next point, the parasite reaches to brain of human through blood. The parasite reaches to brain of human through blood and causes sleeping sickness. By damaging brain, causes sleeping sickness by damaging brain. अब मैं आपको ट्राइपैनोसोमा का डायग्राम दिखा देता हूं। ये यहां पे कोई किसी को कोई कंफ्यूजन, वेक्टर कौन होते हैं जो डिजीज को ले जाते हैं, रिजर्व कौन होते हैं जिनकी बॉडी में परमानेंट रहता है लेकिन उनको बीमार नहीं करता, तो एंटीलॉग की बॉडी में परमानेंट रहता है उसको बीमार नहीं करता, वो रिजर्व हो गया। सीसी फ्लाई लेके आई वो वेक्टर हो गई, बीमार किसको किया, ह्यूमंस को, कहां पे पहुंचने के बाद, ब्रेन में पहुंचने के बाद।
कैसे ह्यूमन तक पहुंचे, सीसी प्लाई के काटने से। देखिए ट्राइपैनोसोमा के मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, आप इसके भी डायग्राम का वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये ट्राइपैनोसोमा का डायग्राम है, दिस इज ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ये रिजर्व फूड इसमें पाया जाता है, ये एंडोप्लाज्म मतलब अंदर वाला प्रोटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म आउटर प्रोटोप्लाज्म, इसके ऊपर एक पेलिकल पाई जाती है। पेलिकल क्या है, पेलिकल क्या है बेटा, पुराने लोग बताएंगे, पेलिकल कौन बताएगा, पेलिकल क्या है, पेलिकल इज अ मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, इट इज स्ट्रेचेबल एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है, फ्री फ्लैजेलम, ये क्या है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, और यहां से फ्लैजिला जहां से ओरिजिनेट होता है, कोई भी फ्लैजिला, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ब्लिफेरोप्लास्ट हम लोग उसको बोलते हैं या उसको बेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं। तो ब्लिफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल वो पॉइंट है जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है ट्राइपैनोसोमा। क्लियर भाई? यस सर। नेक्स्ट थर्ड वन इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं तीसरा वाला पढ़ाता हूं। थर्ड प्रोटोजोआ, ठीक है, रिमूव कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। नाउ कम टू द थर्ड वन, थर्ड वन इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ। तो देखिए हमने थर्ड पढ़ा, तो हमने ये दो पढ़ लिए, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, अमीबॉइड प्रोटोजोआ मैंने आपको बता दिया, फ्लैजेलेटेड बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ सिलेटेड प्रोटोजोआ। और हमने देखा इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम, ये भी आप बचपन से पढ़ते आए हैं, और इसमें मूवमेंट किससे होता है, सिलिया से होता है। तो ठीक है, अब आते हैं थर्ड वन, तो थर्ड वन इज सिलिएटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल आप आगे डाल लीजिए, एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। ठीक है, अब देखिए वाइट प्रोटोजोआ हो गया आपसे, और तो पैरामीशियम नोट करेंगे, सिलिएटेड प्रोटोजोआ दे आर aquatic, they are aquatic and they have number of cilia, number of cilia in their body, and they have number of cilia in their body for locomotion and for locomotion and driving food, locomotion and driving food. ठीक है, next point, they are free living organism, they are free living organism. A few of them are, they are free living organism. A few of them are parasitic. They are free living organism. A few of them are parasitic. बहुत कम है जो parasitic है, they are exceptionally parasitic, पर रहा है free living organism. अब आइए, ये रहा आपका paramecium. इसका diagram याद रखिएगा, ये आपके school वाले भी पूछ सकते हैं, draw the well-labeled diagram of paramecium 3 marks में. देखिए
एक्सटर्नली छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सिलिया। अच्छा यहां पर आप देखेंगे ये वेस्टिबुलम बोलते हैं इस पार्ट को, है ना, या इसको ओरल ग्रूव बोलते हैं। वेस्टिबुलम या ओरल ग्रूव क्या होता है, इट इज माउथ, ये इसका मुंह होता है। यहां पे क्या है, ये सिलिया इस तरह से ऐसे ऐसे मोशन करते हैं और सिलिया एक फ्लो मेंटेन करते हैं और इस मोशन की वजह से ये फूड को अंदर ले लेते हैं। तो फूड क्या मेनली लेते हैं, ये जो फूड है दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक पार्टिकल। तो अमीबा और पैरामिशियम ये छोटे छोटे गंदे पानी में जो ऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं उनको बॉडी के अंदर ले लेते हैं और सिलिया की हेल्प से। तो सिलिया दो काम करता है, मैंने अभी आपको लिखाया, पहला मूवमेंट पे, दूसरा इसमें फूड इनटेक में। ये अंदर देखेंगे बकल ओवर ट्यूब है, यहां से क्या होता है, ये इसका मुंह है, कुल मिलाकर गला है इसका, है ना। यहां पर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, फूड वैक्यूल बन के अंदर आ रही है। यहां पर फिर क्या हो रहा है, फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो रहा है। तो फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाता है, जो वेस्ट वाला पार्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और इसको हम लोग एनाल पोर कहते हैं, जिसको साथ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये अंदर इसको साइटोप्लाज्म हो गया। अब देखिए यहां पर इसमें दो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस छोटी वाली और दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस बड़ी वाली। इस तरह से जिसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि अमीबा में जो न्यूक्लियस होते हैं, तो सॉरी पैरामिशियम में जो न्यूक्लियस होते हैं, तो पैरामिशियम है डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस, पैरामिशियम में डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मतलब दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका फंक्शन नीट में पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस किसमें पाए जाते हैं, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ पैरामिशियम होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में डाइमॉर्फिक पैरामिशियम के अलावा कोई नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरा, कई बार आप देखेंगे नीट पे क्वेश्चन पूछा गया द फंक्शन ऑफ मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सोमैटिक फंक्शन। क्या मतलब हुआ भाई, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोमैटिक फंक्शन, क्या मतलब हुआ, सोमैटिक फंक्शन मतलब क्या हुआ, इट कंट्रोल मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ सेल, इस पूरी सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शन को ही कंट्रोल कर। माइक्रो न्यूक्लियस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने पहले पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का एक ही काम होता है, ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये क्या करता है, ये गंदे पानी में पाया जाता है, तो इसकी बॉडी में ज्यादा वाटर अगर इकट्ठा हो जाएगा या वेस्ट ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और इसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और साइड साइड इसके रेडिएटिंग कैनाल है, दो चीज और याद रखिएगा। तो रेडिएटिंग कैनाल के थ्रू क्या करता है, ये गंदा पानी बाहर से निकाल देता है, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर, तो बॉडी से वेस्ट वाटर को निकाल देता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। इसमें भी पेलिकल पाई जाती है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी एनिमल सेल के बाहर पेलिकल पाई जाती है, ये प्रोटेक्टिव होती है, ये क्या होती है, दिस इज फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। और किसकी बनी होती है पेलिकल भाई, बताइए किसकी बनी होती है, प्रोटीन। वेरी गुड, याद रखिएगा, पूछा जाता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, नोट कर लीजिए इसको। डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस, रेडिएटिंग कैनाल्स का क्या फंक्शन है, पेलिकल का क्या फंक्शन है, ओरल ग्रूव क्या होता है, याद रहना चाहिए आपको। तो ऐसा न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे, कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है, फूड पार्टिकल खाने वाला कैसा न्यूट्रिशन है, बोलो जोई। मैंने क्या बताया था, अगर कोई एनिमल फूड को निगल जाए, इनगल्फ कर जाए या टुकड़ों में खाए, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिया, यस सर। हाँ जी बेटा बोलो, क्या डाउट है बताइए। ये पैरामिशियम अंदर नहीं आएगा,
क्या बेटा? पैरासिटिक के अंदर नहीं आएगा ये? वो नहीं, नहीं, मैंने बताया ना कि मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, वेरी फ्यू आर पैरासिटिक. तो जो पैरासिटिक होंगे उनमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन पाएगा, बट लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम आर होलोजोइक. नोट करो, मेजोरिटी ऑफ देम हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन. The parasite one, majority of them have holozoic nutrition. The parasite one take nutrition from host. Next point, it have die. Most of them are holozoic. Most of them have holozoic nutrition, and parasitic one take nutrition. Parasitic one take nutrition from host. Next point. They have. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया. स्टार बना के लिखिए. दे हैव डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस. अब आप देखिए, मैं आपको बार बार ये बता, देखिए एनसीईआरटी आपके सामने होगी पेज नंबर 22, कहीं पर भी डाइमॉर्फिक टर्म नहीं दिया हुआ है. और डाइमॉर्फिक कई बार आप देखिए नीट के क्वेश्चन में पूछा गया कि डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस किसमें पाई जाती है. पैरामीशियम आंसर था. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. And it have not been discussed in your NCERT. NCERT में paramecium दे रखा है, chelated protozoa दे रखा है, सिर्फ चार लाइन में डिस्क्राइब किया गया. इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए. मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्या क्या पूछा गया, ठीक है? नोट करिए. It have dimorphic nucleus. Macronucleus, it have dimorphic nucleus, comma. Macronucleus control metabolic reaction. Macronucleus controls metabolic reaction and micronucleus help in reproduction. Next point, contractile vacuole remove waste water. Contractile vacuole remove waste water from radiating canal that's how it help in osmoregulation. That's how it help in osmoregulation. ठीक है, किसी को कोई डाउट? ऐसा कोई इनमें मेजर डिजीज नहीं फैलाते लोग, कोई डाउट नहीं? नो सर. द लास्ट प्रोटोजोआ स्पोरोजोन्स, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं. तो इससे पहले कि डायग्राम दिखाऊं, मैं स्पोरोजोन्स का ये रहा डायग्राम, लास्ट पोडियम का. और डायग्राम दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो देखिए, हमने लास्ट वाला ही पढ़ा, स्पोरोजोन्स, और इसका एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम. और इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता. तो आते हैं लास्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे प्रोटोजोआ में, फोर्थ वन, दैट इज स्पोरोजोन्स. स्पोरोजोन्स एग्जांपल लिखिए. प्लाज्मोडियम क्या करता है कोई बता सकता है? मैं पूरा नाम लिख देता हूं. प्लाज्मोडियम एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं पूरा नाम बता देता हूं यहां पर भी आपको.
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसका नाम है, बताओ क्या काम करता है। अरे भाई मलेरिया पढ़ेंगे हम लोग ट्वेल्थ में, लाइफ साइकिल ट्वेल्थ में आपके सिलेबस में, ठीक है। तो देखो अब यहां पर वेक्टर कौन हुआ, देखिए मॉस्किटो एक होता है, उस मॉस्किटो का नाम है एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, एनोफिलीज मॉस्किटो। एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करता है, ये इंसान को काट लेता है, ह्यूमन को, और ह्यूमन में क्या ट्रांसफर कर देता है, क्या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ट्रांसफर कर देता है। तो एनोफिलीज मॉस्किटो क्या हुआ इसका वेक्टर, जो डिजीज को लेकर क्या है वो वेक्टर हो गया, ह्यूमन को काट लिया, और ह्यूमन को काटने से ह्यूमन को क्या हो गया मलेरिया। मलेरिया में क्या आता है फीवर विद शिवरिंग, ठंड लग के फीवर आता है ना, और इससे आदमी की डेथ भी हो सकती है मलेरिया से, समझ रहे हैं ना। अब तो खैर इंसान मलेरिया से नहीं मरता है, ठीक है। तो एनोफिलीज मॉस्किटो इसको फैलाता है, इसका कोई भी रिजर्व होस्ट नहीं है, क्लियर है क्या? Yes, तो मैं डायग्राम दिखा दूं इसका फिर इसी बात पे, ये सब नोट कर लिया आपने? Excuse me, sir. जी बता। सर एनोफोरिक मॉस्किटो को नीचे क्या रखा है आपने? ये वेक्टर, इसका वेक्टर हुआ ना, पूछा जाता क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वेक्टर इसका क्या है, ये नीट में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखो मैं आपसे ये कहता हूँ कि एनसीईआरटी साथ में रखिए, और साथ साथ में जब मैं आपको पढ़ा दूं तो आप एक बार जस्ट ग्रोथ गो थ्रू विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, तो आपको तब कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि नहीं हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग सही पढ़ रहे हैं और बहुत सॉलिड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए आप चेक करते थोड़ा थोड़ा ग्लांस करते रहिए, अभी से आदत डालिए, जो लोग नीट देना चाहते हैं ग्लांस करते रहिए कि क्वेश्चन आया है कहाँ से आया है कैसे पूछा गया, तो आपको आइडिया आता रहेगा, ठीक है ना। तो एनोफिलीज मॉस्किटो इसका वेक्टर है ना, और ये पैरासाइट कौन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये क्या है एक तरह का प्रोटोजोआ है, कैसा प्रोटोजोआ है स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआ है, ठीक है। एक और चीज नोट करेंगे, ऑल स्पोरोजोन्स, अब जितने भी स्पोरोजोन्स है ऑल स्पोरोजोन्स आर एंडो पैरासाइट, ऑल स्पोरोजोन्स आर एंडो पैरासाइट, क्या मतलब हुआ ऑल स्पोरोजोन्स आर एंडो पैरासाइट, एंडो मतलब इनसाइड, पैरासाइट मतलब, तो ये किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। आप समझते हो ना एक्टोपैरासाइट कौन होते हैं, मॉस्किटो क्या है एक्टोपैरासाइट, वो बाहर से बैठता है और खून चूस के भाग जाता है, तो वो बाहर से पैरासाइट है, बाहर से खून पी लेता है, एक्टोपैरासाइट है। ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहे वो एक्टोपैरासाइट, और जो बॉडी के अंदर रहे वो एंडोपैरासाइट। नोट करेंगे ऑल स्पोरोजोन्स आर एंडोपैरासाइट, दैट इज दे लिव्स इन lives inside, that is they lives inside the body of host, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक, न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक, स्टार बना के लिखेंगे। नेक्स्ट, लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन लाइक सिलिया एंड फ्लैजिला आर एब्सेंट, लोकोमोटरी ऑर्गन लाइक सिलिया एंड फ्लैजिला आर एब्सेंट, इनमें ऐसी कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाई जाती सिलिया और फ्लैजिला जैसी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, देखिए बाकी सब प्रोटोजोआ में प्रेजेंट था, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज नॉट फाउंड इन स्पोरोजोन्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज नॉट फाउंड, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज नॉट फाउंड इन स्पोरोजोन्स, ठीक भाई। ये इसका डायग्राम है, देखिए मेन मेन चीजें आप इसमें याद रखिएगा जो आपको याद रखना चाहिए इनफैक्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोइट ये देखिए, इसमें
एक न्यूक्लियस पाई जाती है जो मैं अंडरलाइन करो, सिर्फ वही याद रखेगा। पेलिकल आपको बता चुका हूँ कि ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है उसकी बनी होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, दैट्स इट। ये ऊपर एक एपिकल कैप लगी होती है, दैट्स इट, सिंपल स्ट्रक्चर। एंड दे स्प्रेड लाइक स्पोर, इसीलिए इनको स्पोरोजोन्स बोलते हैं, दे स्प्रेड लाइक स्पोर। And this is the last organism of protozoa. किसी को कोई doubt पूछिए without any hesitation, बताइए। तो फिर ये locomotory movements नहीं करता? फिर क्या करते? देखो ये इंसान blood में पाया जाता है, तो जिधर blood जाएगा उधर blood चलेगा, तो इसको locomotory organ चाहिए भी नहीं, है कि नहीं? Blood stream के through circulate होता रहता खुद ही। Okay. ठीक है। और कोई doubt? नए वाले बच्चों को कोई डाउट? कृति, कृतिका, लवीश, रोशनी, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। सांची, आयुषी, आज आयुषी ने कुछ नहीं पूछा, आयुषी, आयुषी कोई डाउट? सांची? नो सर। नो सर। चलो ग्रेट। तो याद रखिएगा जितने मैंने आपको पॉइंट बताया दे और वेरी। हाँ और कुछ बताओ भैया, सर? पैरामीशियम कोई डिजीज स्प्रेड नहीं करता? नहीं, पैरामीशियम नॉर्मली डिजीज कोई कॉज नहीं करता। और नॉर्मली जो पैरामीशियम पाया जाता है वो किसी तरह की कोई डिजीज कॉज नहीं करता। ठीक है, पाए अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही पाया, दोनों को ही एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा हुआ था, और दोनों ही डर्टी वाटर में पाए जाते हैं। देखो कहीं पे किसी फैक्ट में बड़ा फैक्चुअल बताता हूँ, देखो जो लोग दिल्ली एनसीआर से उनको बताता हूँ, है ना, ज्यादा नॉलेज होना भी थोड़ा सा गड़बड़ बात होती है, लेकिन बता देता हूँ। आखिर यमुना का पानी है, पूरे दिल्ली का जितना भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पानी यमुना में गिरता है, पूरे दिल्ली की जितनी फैक्ट्री है सबका पानी यमुना में गिरता है। फैक्ट्री और सीवेज ट्रीटमेंट पे जो गंदा पानी होता है उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। आप यकीन मानिए 1000% अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही यमुना के पानी में मिलेंगे, और पूरे दिल्ली में आपको पता है कि यमुना के पानी से सप्लाई होती है। चाहे आप वजीराबाद की तरफ देख लो, चाहे नोएडा वाली बॉर्डर पे देख लो, यमुना के पानी को रोक रखा है, और जहां जहां पे रोक रखा है वहीं पे सब जगह ट्रीटमेंट प्लांट में लगा रखा है वाटर, और वहीं से वाटर की सप्लाई होती है। बताओ सही है कि नहीं सही है? अब अगर फिल्टर जरा भी गड़बड़ हो गया, अमीबोसिस फैल गई, ऐसे डिजीज फैल गई। ठीक है, क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। Okay, तो इसका जो जो बचा वाला पार्ट है, मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, आप एनसीईआरटी खोलिए, जो लोग नए वाले बच्चे हैं ये लोग, कृतिका, कृति, लवीश, रोशनी, आप देखेंगे एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है प्रोटिस्टा में, सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड, ये मैं आपको अलग क्लास में पढ़ाऊंगा। तीनों क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा तीनों को कहते हैं। स्लाइम मोल्ड फिर उसके बाद दिया हुआ है ना, पेज नंबर आप 21 में स्लाइम मोल्ड दिया हुआ है। तो स्लाइम मोल्ड हम लोग पढ़ेंगे किसमें? ये सेप्रोफिटिक और फैगोसिटिक ये प्रोटिस्टेंस में, कंज्यूमर डिकम्पोजर कंज्यूमर में। प्रोटोजोआ मैंने आपको पढ़ाई दिया, ये वाला पार्ट में आपको पढ़ा दिया। अब आगे हम लोग आते हैं, आप आएंगे पेज नंबर 22 में ही आपको दिया गया फंजाई किंगडम। ठीक है, तो किंगडम फंजाई क्या? किंगडम फंजाई, देखिए अब मेरी बात को फिर से आप गौर से समझेंगे। यहां पर फंजाई के अभी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, है ना, तो पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फंजाई की मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक। आखिर फंजाई कहते किसको, किसको हम लोग फंजाई किंगडम में रखते हैं? तो हमारा है किंगडम फंजाई। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, फिर फंजाई का क्लासिफिकेशन। तो देखिए पहले मैं आ जाता हूं आपके एनसीईआरटी में। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो क्लासिफिकेशन में आपको क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, फिर सबसे पहला हमारा दिया है फाइकोमाइसिटिस। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में फाइकोमाइसिटिस दिया हुआ है, फिर दूसरा फंजाई दिया है एस्कोमाइसिटिस,
तीसरा दिया है बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मतलब चौथा वाला दिया है ड्यूटेरोमाइसिटिस। सर थर्ड के? हाँ जी बेटा थर्ड है ये थर्ड वाला बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है ये दे रखें क्लियर। तो ये हमें चारों पढ़ने हैं ना, चारों आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप देखेंगे प्लेस नंबर 23, 20 और 24 में है ना, दोनों में दिया हुआ है। अब चलो अब फंजाई में आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, देखो इसको नोट करो पहले, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे एनसीईआरटी में दिया गया और हम कैसे पढ़ रहे हैं। अब मैं आता हूं फंजाई, क्लासिफिकेशन बन जाएगा। अब देखो मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूं, ठीक है नोट कर लिया? यस सर। ठीक है समझिएगा बात को, तो आपके एनसीईआरटी में दिया है फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस है ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी में बता दिया कि फंजाई भाई चार टाइप की पाई जाती है, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो है ना। फंजाई का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है? ये उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे किया गया है, या यूं कहूं कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे किया गया है। तो फंजाई का क्लासिस का क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो रिप्रोडक्शन, तो बेसिस है रिप्रोडक्शन। अब मैं आपको जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूं उसको समझिएगा थोड़ा सा इसको अरेंज करके, सिर्फ फर्क इतना ही है कि मैं आपको जो पढ़ाता हूं वो वेल अरेंज वे में पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी में वेल अरेंज वे में नहीं दिया गया। एक्चुअल में क्लासिफिकेशन है क्या समझिए, पंजाबी क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, कैसे किया गया, देखिए डायग्राम मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूं। देखो किंगडम फंजाई को माइकोटा भी कहा जाता है ना, तो किंगडम फंजाई इज ऑल्सो कॉल्ड माइकोटा। तो पहले जितनी भी फंजाई पाई जाती हैं, उन फंजाई को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक वो फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता, अभी तक नहीं पाया गया, ऐसी फंजाई दे परफेक्ट फंजाई नहीं है, तो हमने उनको कहा, आपसे पूछा जाता है कि फंजाई इम्परफेक्टाई किसको कहते हैं, तो देखिए तो मैंने आपसे कहा कि ऐसे फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता उनको नॉट आइडेंटिफाइड, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट आइडेंटिफाइड, तो उनको हमने कहा फंजाई इम्परफेक्टाई, और इसको हमने एक ग्रुप में रखा ड्यूटेरोमाइसिटिस को। तो हमने अभी देखा कि ड्यूटेरोमाइसिटिस सबसे लास्ट में दिया हुआ है, तो हमने ड्यूटेरोमाइसिटिस को पहला क्लास मान लिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि दूसरी, अब जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उन फंजाई को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, प्रिमिटिव फंजाई और एडवांस फंजाई। प्रिमिटिव जो पुरानी ओल्ड फंजाई है, कम एडवांस है, कम इवॉल्व है, और एडवांस जो ज्यादा इवॉल्व है। तो हमने प्रिमिटिव फंजाई को कहा ऊ माइकोटा, ठीक है, और एडवांस फंजाई को यू माइकोटा, ओ यू मतलब न्यू है ना, न्यू फंजाई, ठीक है। हमने प्रिमिटिव फंजाई को, अब देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया है फाइकोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, एस्को, जाइगोमाइसिटिस, आपके फंजाई आपके एनसीईआरटी में गायब कर दिया गया, जबकि सच ये है कि अभी तक मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इवन 12 तक भी फंजाई के 5 क्लासेस हैं, एनसीईआरटी में सिर्फ 4 दिए हुए हैं, जाइगोमाइसिटिस गायब है। लेकिन हाँ हम लोग पांचों पढ़ लेते हैं, देखो तो सबसे पहले ड्यूटेरोमाइसिटिस, इसको इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, अभी तक इनके किसी भी मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिला है। दूसरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वाले फंजाई को मैंने दो पार्ट में बांटा, ऐसे फंजाई जो कम इवॉल्व है उनको मैंने प्रिमिटिव फंजाई कहा, और ऐसे फंजाई जो ज्यादा इवॉल्व है मैंने उनको एडवांस फंजाई कहा। प्रिमिटिव फंजाई को मैंने ग्रुप पे रखा ऊ माइकोटा, और एडवांस फंजाई को मैंने दूसरे ग्रुप पे रखा यू माइकोटा है ना। अब आइए प्रिमिटिव फंजाई को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फाइकोमाइसिटिस, इसको एल्गल फंजाई कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्गल फंजाई किसको बोलते हैं, जाइगोमाइसिटिस,
इनको कॉन्जुगेशन फंजाई कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। एस्कोमाइसिटीज, इन्हें सैक फंजाई कहते हैं क्योंकि ये बोरे की तरह सैक जैसी स्ट्रक्चर में पाई जाती है, ईस्ट इसका एग्जाम्पल। और बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहा जाता है। इनका क्लासिफिकेशन और इनको कहा क्या जाता है, ये दोनों चीज याद रखिए। कोई डाउट हो बताइए। बताएं भाई, किसी को कोई डाउट? अच्छा ठीक है, अगर डाउट नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आप ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप क्लासिफिकेशन ऐसे इसको एज इट इज आप इसको कॉपी करें अपने नोटबुक में, ठीक है? इट विल हेल्प यू अलॉट। स्टार्ट किया जाए जनरल कैरेक्टरिस्टिक। सर, वी आर रैंकिंग देम ब्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक। और कहीं पर भी किसी को डाउट हो तो आप बताइएगा। हटा रहा हूं मैं, ये रिमूव कर रहा हूं, ठीक है? अब फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बता देता हूं, समझा देता हूं। फंजाई जो होता है, तो फंजाई की सबसे बेसिक जो सेल होती है, तो फंजाई की सबसे बेसिक यूनिट कौन, मतलब जो फंजाई की बेसिक यूनिट या फंजाई की बेसिक सेल जो होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोई कोई बता के क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग हाइफा कहते हैं। हाइफा, हाइफा एक सिंगुलर वर्ड है ना, और इसी का प्लूरल हाइफी कहलाता है। HYPHAE, हाइफी प्लूरल वर्ड है, दोनों सेम बातें हुई, ठीक है? अब क्या होता है, बहुत सारे हाइफा है ना। अब पहले बात, हाइफा क्या होता है? तो हाइफा देखिए, फंजाई में इस तरह का एक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर ये न्यूक्लियस पाए जाते हैं, है ना? तो इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे फंजाई का जो हाइफा होता है, उसमें हाइफा में ये नॉर्मली आपकी सेल वॉल हो गई, तो फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है? ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, तो फंजाई में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है? एंड दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी पाया जाता है, इस तरह का फंजाई का स्ट्रक्चर, ठीक है? बहुत सारे हाइफा, नंबर ऑफ हाइफा, बहुत सारे हाइफा मिलकर के। अब आपने देखा होगा कि घर में आपने रोटी पुरानी रखी हुई है, काफी दिन से, कई दिन से आप रोटी घर से बाहर गए और आप रोटी बाहर भूल गए, जब लौट कर आते हैं तो रोटी के ऊपर एक बड़ा सा क्या बोलते हैं, ऐसे नेटवर्क जैसे बना होता है, तो बहुत सारे हाइफा मिलकर के वो जो रोटी के ऊपर आपको फंगस दिखाई देता है, जिसको आप बोलते हैं कि अरे इसमें तो फंगस लग गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत सारे हाइफा मिलकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम। समझ गए क्या? क्लियर है क्या? हाँ जी, क्लियर है। बहुत सारे हाइफा मिलकर के माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक? अब देखिए, नोट कर लीजिए पहले इसको, मैं बताता हूं। अब मैं हाइफा का स्ट्रक्चर आपको बताता हूं, तो हेडिंग डालेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, ब्रैकेट में लिखेंगे हाई स्ट्रक्चर ऑफ हाइफा, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, ब्रैकेट में लिखेंगे हाइफा। फंजाई का सेलुलर स्ट्रक्चर होता कैसा, बेसिक सेल फंजाई की कैसी होती है? फंजाई की सेल ऐसी होती है, ये ईस्ट की सेल है, इसका डायग्राम देखो, न्यूक्लियस पाया जाता है, तो फंगस यूकैरियोटिक सेल है ना, बाहर सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, किस चीज की? दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फंजाई में सेल वॉल बनी होती किसकी? काइटिन की। काइटिन को और क्या बोलते हैं?
काइटिन इज ऑल्सो कॉल्ड फंगल सेलुलोज. ठीक है, ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है ना. न्यूक्लियस पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, लिपिड के ग्लोब्यूल्स कुछ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, इस तरह से राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल. नोट कर लीजिए, फंगस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्लियर भाई? यस सर. यस सर. नोट कर लिया? यस सर. ठीक है, तो नोट करेंगे. एक्सेप्ट ईस्ट, एक्सेप्ट ये ईस्ट का सेल है, एक्सेप्ट ईस्ट द बॉडी ऑफ फंजाई, एक्सेप्ट ईस्ट द बॉडी ऑफ फंजाई is made up of, except yeast, the body of fungi is made up of tube-like structure. Body of fungi is made up of tube-like structure called hypha. Tube-like structure called hypha. Full stop. The number of hypha. क्या बोला है? क्या? फिर से. The number of hypha. Get collected in a body. Number of hypha get collected in a body. And makes mycelium. तो बहुत सारे हाइफा मिलकर के mycelium का formation करते हैं. ठीक है. Next point. The fungi are saprophytic by nutrition. The fungi are saprophytic by nutrition as they grow on. Fungi are saprophytic by nutrition as they grow on dead and decaying. Organic matter. Next point, some of the fungi are parasitic, which causes disease. नोट करके क्वेश्चन लिखो, एक्सक्लूसिवली नीट का क्वेश्चन नोट करके लिखेंगे. The fungi are strongest decomposer of the world. Bacteria strongest decomposer नहीं है, fungi सबसे powerful decomposer. क्यों? कोई बता सकता है मुझे? Why fungi are the strongest decomposer, not bacteria? Bacteria wood को decompose नहीं कर सकता. Bacteria के बस की बात नहीं है wood को decompose कर. बैक्टीरिया नेवर डिकम्पोज वुड. वुड को डिकम्पोज सिर्फ फंजाई कर सकता है, इसलिए. ठीक है, नोट करेंगे. एज फंजाई हैव कैपेबिलिटी टू डिकम्पोज वुड. ठीक भाई, तो नेक्स्ट क्लास में फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे. यहां तक किसी को किसी तरह का कोई डाउट पूछे? Awesome. ठीक है,
एनसीईआरटी आप खुद से पढ़ते रहिए, है ना, अंडरलाइन करते रहिए, कोई पॉइंट कोई टर्म ना समझ में आए पूछते रहिए, मैं आपको इसी सीक्वेंस में एनसीईआरटी के सीक्वेंस में पढ़ाता रहूंगा। राइट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंजाई का क्लासिफिकेशन। हाँ साची बोलो, कुछ पूछ रही है। कई बार पूछा गया डोली पोर सेप्टम क्या होते हैं। डोली पोर सेप्टम आई डोंट थिंक इट्स देयर इन एनसीईआरटी, नहीं है डोली पोर सेप्टम कई बार पूछा गया, बैरल शेप सेप्टम होता है, बहुत बार पूछा गया डोली पोर सेप्टम क्या होता है पंजाई से। और सेप्टेट माइसिलियम, एसेप्टेट माइसिलियम, पार्शियली सेप्टेट माइसिलियम, ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्या होते हैं, है ना, उसके बाद सीधे क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी जनरल करेक्टरिस्टिक पूरे नहीं हुआ। और किसी को कोई डाउट? आयुषी, अर्पित, कृति, लवीश, रोशनी, साची, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।